हेलो दोस्तों, कैसे हैं? शिमला के जायके में मैं आज आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कमल ककड़ी की सब्ज़ी। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी रसोई में। तो मैं रेसिपी शुरू करने से पहले आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ, ताकि आप रोज़ रोज़ रेसिपी देखकर भी बोर ना हो। थोड़े आपको मैं पहाड़ों के सीन दिखा रही हूँ। ये शिमला से नीचे का एरिया है, तो काफ़ी चारों तरफ हरियाली है और बादल है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है देखने में। तो मैं आज बना रही हूँ कमल ककड़ी की रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कमल ककड़ी ली है। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो हमें ये देखिए इस तरह जड़ वाली लेनी है। तो इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर हम इसके छिलके निकालेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह छिलके निकाल लेंगे। ऊपर का छिलका हम इसी तरह पिलर की सहायता से निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारी कमल ककड़ी के छिलके निकालेंगे। इसका जो ख़राब हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह हमने सारी कमल ककड़ी के छिलके निकाल लिए। तो कमल ककड़ी, कमल का निचला हिस्सा है जो पानी में रहता है, तो ये जड़ होती है देखो कमल की। तो इसका ये सख्त वाला हिस्सा हम थोड़ी दूरी से इसे काट लेंगे। तो इस तरह हम कमल ककड़ी के दोनों सिरे काट लेंगे। तो इस तरह से अंदर से साफ़ है, क्योंकि इसके दोनों सिरे बंद थे। तो इस तरह से हम इसके पीस काट लेंगे, ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ज़्यादा पतले। तो इस तरह से हम इसके सारे पीस काट लेंगे। देखिए इस तरह हम छोटे छोटे पीस काट कर हम पानी में डालते रहेंगे। सारी ककड़ी मैंने काट ली है, तो अब मैं इन सबको ठंडे पानी में डालूंगी, क्योंकि इसमें काफी मिट्टी होती है। अब हम इसे कई पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें काफी मिट्टी होती है। हमने कई पानी से धो दिए, देखिए साफ हो गए। तो अब हम इसे उबालेंगे। अब हम इसे कुकर में उबालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं बड़े 2 गिलास जितना पानी डालूंगी। 2 गिलास थोड़ा नमक डाल लेंगे, थोड़ी हल्दी, अब हम इसमें 5-6 सीटियां लगाएंगे। तो मैंने इसमें 5-6 सीटियां लगाई थी। तो देखिए ये हमारे कमल ककड़ी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, हो गई है। तो अब हम तड़का करेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे। अब गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे 1 कड़छी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो एक साथ हम जीरे के साथ खड़े मसाले डाल देंगे।
साथ ही हम तेज पत्ता डाल देंगे और बड़ी इलायची, एक लौंग और काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा। गैस को हमने मीडियम रखा है। अब डालेंगे हम प्याज। मैंने एक प्याज बारीक से काट के रखा है। गैस को हमने मीडियम रखा है। इलायची को मैंने, बड़ी इलायची को थोड़ा कूट लिया था। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो रहा है तो अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें डाली है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कितना तीखा चाहिए आपको। अब हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। गैस को हमने मीडियम रख, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इधर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने ये 3 टमाटर की प्यूरी बनाई है। हमने टमाटर पीसे थे तो हमने वो वाला पानी डाला है इसमें। टमाटर को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर हमारे पक चुके हैं तो इन्होंने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने नमक, जब हमने कमल ककड़ी को उबाला है तो उसमें भी हमने नमक डाल लिया था, तो अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। 1/2 टीस्पून में पीसी सौंफ डालूंगी। अब हम इसमें कमल ककड़ी को डाल देंगे। अच्छी तरह इसमें मसाला मिक्स कर लेंगे। अब हम 2 मिनट तक मैं ऐसे घुमाती रहूंगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। अब मैं थोड़ा इसमें पानी डालूंगी। अगर हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस के अनुसार हम पानी डालेंगे, अगर हमें घनी चाहिए तो कम पानी डालेंगे। तो अब मैं इसे 5 मिनट तक मैं इसे मीडियम गैस पर पका लूँगी। मैंने इसे घर के स्टाइल में बनाया, तो इसमें मैंने ना ज़्यादा तेल और ना ज़्यादा मसाले यूज़ किए हैं। तो मैंने इसे 5 मिनट रखा है। 5 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसे 5 मिनट रखा है। गैस को मैंने मीडियम रखा है। तो देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं और मसाले भी अच्छी तरह से कमल ककड़ी के अंदर जा चुके हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनी है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी 1 टीस्पून, हरा धनिया, 2 मिनट में इसे ढक कर रख दूंगी और गैस को बंद कर देंगे। फिर हम प्लेटिंग करेंगे।
2 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो अब मैं इसे एक बाउल में डालूंगी। इसे गरम गरम ही परोसना चाहिए। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। मैंने ये तरी वाले बनाए हैं, थोड़ा ग्रेवी वाले चावल के साथ। चाहे आप चपाती के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं, ये टेस्टी लगेंगे। कमल ककड़ी काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो ये कई बीमारियों को ख़त्म करती है। इसमें ABC विटामिन्स है, ये हमारे ब्लड बनाते हैं और मोटापे को ख़त्म करती है। तो ये हमारे चिड़चिड़ापन और सिर दर्द को भी दूर करती है। तो इसे हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। कमल को शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आप इसे ज़रूर बनाएं, औरों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।